तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप का। जी हाँ, वी लुकअप वगैरह तो आपने पढ़ा ही होगा, हम बात कर रहे हैं पिक्चर लुकअप का, क्योंकि कल की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था पिक्चर लिंक का, और पिक्चर लिंक जो है कनेक्टेड है हमारे पिक्चर लुकअप से। सो पिक्चर लुकअप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो जिसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक नया एक्सेल की नई फाइल ले रहा हूं। तो बेसिकली पिक्चर लुकअप की जरूरत क्यों पड़ती है, जब एक पूरी एरिया को हमें डैशबोर्ड पे शो करना होता है तो उस समय हम पिक्चर लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला और बाकी चीजें देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि मैं यहाँ पे मंथ लिया और मैं यहाँ से मंथ वाइज रिपोर्ट देता हूँ, और यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। एक छोटा सा रिपोर्ट आपके सामने हमने बनाया है, और इसको मैं थोड़ा सा कलर भी कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई होगा, और इस पे हमने इंसर्ट में गया और एक चार्ट भी हम लगा देते हैं, और चार्ट के डिजाइन में थोड़ा सा ये मेरा रिपोर्ट तैयार। तो मेरे पास जो रिपोर्ट है इसको हम कह सकते हैं कि मंथली हमारा रिपोर्ट, और साथ में एक और रिपोर्ट है जो कि हमारे मंथली नहीं है, हमारे सिटी वाइज है। तो हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई सिटी के हिसाब से। मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देता हूं, कॉपी किया और इस पे हम पेस्ट वैल्यू कर, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और यहां पे हमने ब्लू कलर दे दिया, और इसकी भी हम चार्ट इंसर्ट कर दें, और इस चार्ट का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट कर दें। तो दो रिपोर्ट हमने बनाए, सिंपल सा दो रिपोर्ट हमने तैयार कर लिया, राइट। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक समरी शीट है या एक डैशबोर्ड शीट है, तो इस समरी शीट पे मैं रिपोर्ट यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट हो सकते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का रिपोर्ट फॉर्मेट हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमने क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाता है, प्रीवियस रिपोर्ट आ जाता है, हालांकि ये तो कैलकुलेटेड फॉर्मूला से, हम यहाँ पे फॉर्मूला से यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं चाहता। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट का, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन चाहता हूँ, लिस्ट चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल हम डेटा मेनू बार में जाएंगे और हमारे पास होता है डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे जाके लिस्ट पे जाते हैं और हम यहाँ बोलते हैं कि रिपोर्ट हमारी मंथ वाइज है, एक हमारी सिटी वाइज है। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे मंथ दू तो मंथ आ जाए, मैं चाहता हूँ सिटी दू तो सिटी आ जाए। तो जैसे हम इसको कॉपी करते हैं, मान लीजिए एक मिनट में पीछे का बैकग्राउंड लाइनिंग आता है हटा देता हूं यहां से, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहां इसको पेस्ट करता हूं, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। तो रिपोर्ट दिख रही है, तो आप देख रहे हैं रिपोर्ट इस तरह का एक बहुत लंबा फॉर्मूला से आ रहा है। तो इसको तो शॉर्ट करना है, शॉर्ट मतलब कि मंथ हो जाए, सिटी हो जाए, तो जो लिस्ट यहां पे है ना, इसी नाम से हम अपने एरिया को रिनेम कर सकते हैं। मतलब कि अभी एरिया इसको जो सीट वन ए वन से लेके आई ट्वेल्व तक रीड कर रही है, मैंने फॉर्मूला मेनू बार में गया, डिफाइन नेम में गया, इसका नाम मैंने मंथ, और यहां भी हमने
इसको भी सिलेक्ट किया और इसका नाम भी हम डिफाइन नेम सिटी रख दिया। अब इन दोनों का मैं नाम लिख दिया, मतलब कि जैसे मैंने बताया था आपको कल की क्लास में कि मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ 13-14 कर सकता हूँ ना सर। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर मैंने मंथ कर दिया, यहाँ पे मैं मंथ कर दिया, ये क्या होगा मंथली पिन कोड आ गया। अगर मैंने यहाँ पे सिटी कर दिया, सिटी की आ जाएगी। सिंपल सा वहां पे आपने कैसे रेफरेंसिंग करी है मंथ और सिटी के लिए? हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मूला मेनू बार में गया, यहाँ डिफाइन नेम आता है। अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हो, नेम बॉक्स में जाके नाम डाल दिया, डिफाइन नेम में हमने यहाँ पे मंथ डाल के एंटर ओके कर दिया। ओके, ये आपने पहले से किया होगा तभी आया था? नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनिए क्या होता है कि जैसे मैं आपको एड्रेसिंग सिस्टम समझाया था, कहते ए वन, मतलब मुझे इसको रेफरेंस देना, मैं ए वन से दे सकता हूँ, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए वन से लेके डी टेन तक चाहिए, तो मैं ए वन से लेके डी टेन, बट ये सेम सीट पे है, लेकिन मुझे मान लीजिए सीट वन का ए वन से डी टेन चाहिए, तो ए सीट वन क्या बनेगा? सीट वन ए वन, सीट वन एक्सक्लेमेशन बनेगा, लंबा काफी लंबा बन रहा है ना सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने डिफाइन इसका नाम दे दिया डेटा, राइट? मैं समझ गया, समझ गया। अब क्या होगा कि इस स्पॉट एरिया का एक निकनेम हो गया डेटा, इसका एक्चुअल तो है ए वन से लेके सी नाइन एट है ही, बट इस निकनेम भी हो गया डेटा, तो कहीं भी सम फॉर्मूले कहीं भी यूज करना होगा तो मैं इसको डेटा यूज करूंगा, तो इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। आया समझ में सर? हाँ जी। तो सेम चीज हमने यहाँ भी किया कि इन दोनों एरिया का निकनेम दे दिया, निकनेम इसलिए दिया कि जब मैं कॉपी इस एरिया को कॉपी करके पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक किया, और जाहिर या अगर लिंक होता है तो फॉर्मूला के जरिए होता है, तो आप देखा पहले कि यहाँ पे पूरा पाथ था इस तरह के सीट वन से, इस तरह का पाथ था ना सर, उस पाथ को हमने रिनेम कर दिया सिटी, निकनेम, बिल्कुल समझ गए। हाँ, इन दोनों का नाम, इन दोनों एरिया का नाम क्या हो गया, सिटी और मंथ है, तो मतलब कि अगर अपने इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और ऊपर फॉर्मूला बार में सिटी के जगह पे मंथ कर दिया तो मंथ, और यहाँ पे मैंने सिटी कर दिया तो सिटी आएगा। क्या ठीक है? तो मैम हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं आपका नाम भूल गया, नाम बताएंगे? सर मयूरी नाम है। सॉरी मैं भूल, उनका नाम भूलने की बीमारी थोड़ा सा। मयूरी जी, अभी आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, क्योंकि आप बीच चौथी क्लास है इस बैच का, बीच में से देख रहे हैं, तो बस आप ट्रेनिंग का मीडियम ऑब्जॉर्व कीजिए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जब आपकी शुरू से स्टार्ट होगी तो हर एक चीज आपको समझ में आएगी। ओके सर। सर ये स्टार्टिंग से रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे? वो जब आपकी जब कोर्स स्टार्ट होगा तो शुरू से स्टार्ट होगा ना। ओके सर। होगा आपको रिकॉर्डिंग क्लास के बाद मिल जाएगी, आज की भी रिकॉर्डिंग क्लास के बाद मिल जाएगी। ओके सर। तो यहाँ ये चीज तो समझ में आ गया शुभम जी। हाँ जी। यहाँ अगला प्रॉब्लम है, अगला क्या प्रॉब्लम है कि इसको इस लिंक करना, क्योंकि अभी जो है हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेंज करते हैं तब नाम चेंज हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन चेंज करूँ तो नाम चेंज। यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि ये जो आपका मंथ है, दिस इज नॉट This month, मतलब ए मंथ इसको ए मंथ नहीं मान रहा है। एग्जाम्पल बताऊं कि मैंने यहाँ पे ए वन लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ए वन ये वन है। अगर आप इक्वल टू ए वन करते हैं तो आप ए वन आ जाएगा, लेकिन इक्वल टू आपने इसको सिलेक्ट कर दिया तो फिर वो शो करेगा, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा में जब ए वन लिख देते हैं उस तरह से शो करेगा।
समझ में आया? हाँ जी। तो सिस्टम को ये समझाना है कि जी सेल की वैल्यू जो A1 है एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं है, वो किसी सेल का रेफरेंस है, किसी सेल का एड्रेस है। इस चीज को समझाने के लिए हमारे सिस्टम में एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का। अगर हम इस A1 को सिलेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट सिस्टम को समझाएगा कि दिस इज नॉट ए रेफरेंस, दिस इज नॉट ए टेक्स्ट, दिस इज अ रेफरेंस, और इसको फॉरवर्ड कर दें और रिजल्ट आपके सामने आ गया 32। आ गया सर? ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है? इनडायरेक्ट फॉर्मूला करता है जैसे कि टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। अच्छा ठीक है। जैसे इसने A1 को कन्वर्ट किसमें किया? रेफरेंसिंग में। तभी तो रिजल्ट आपको आया 32। ठीक है। एग्जांपल और कुछ एग्जांपल और देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिख दिया A1 से लेके A5, राइट? सम हो जाएगा। तो सम के अंदर में ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना, इनडायरेक्ट और इसको ले लिया, सम करके दे देगा। इनडायरेक्ट क्या कर रहा है अब आपको चलेगा जब मैं इस फॉर्मूले को एवलेट करूंगा। देखिएगा दिख रहा है? कर दो। दिख रहा है? ये जो आपका सम है इनडायरेक्ट है एंड C14 है, राइट? तो जब एक बार चलेगा तो C14 से रिजल्ट आएगा। C14 से रिजल्ट किसमें आया? इनवर्टेड कॉमा में। इनवर्टेड कॉमा लगा इसका मतलब क्या है कि ABCD है टेक्स्ट। इनडायरेक्ट ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस में। देखिए डॉलर साइन आ गया। अच्छा डॉलर साइन लगा इसका मतलब क्या है कि वो रेफरेंस में। समझ गए? हाँ जी। तो अभी तक के जो क्लास से हमने समझा कि अगर हम चार्ट में जाएं और यहाँ इनडायरेक्ट के अंदर में अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा? हाँ। नहीं बनेगा। हमने आपको शुरुआत में बताया कि दो प्रॉब्लम है, हमने एक प्रॉब्लम तो समझा दिया, दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चार्ट हो, चाहे कोई भी रेफरेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर लिंक होता है डेटा से तो डायरेक्ट फंक्शन से लिंक होता है, डायरेक्ट उसके फॉर्मूले से लिंक होता है, डायरेक्ट रेफरेंस से लिंक होता है, किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता। अब एंटर कि दिस फॉर्मूला इज मिसिंग रेंज रेफरेंस एंड डिफाइन नेम, मतलब कि रेंज लेगा, रेंज रेफरेंस लेगा या फिर डिफाइन नेम लेगा। डिफाइन नेम मतलब जो हम नेम मैनेजर में जो है किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? बट डिफाइन नेम कहता है कि आप इसमें से मान लीजिए मैंने SH नाम शो कर दिया, ठीक है ना, शो नाम बनाया, अब इसमें देता हूं इसमें फॉर्मूला डाल देंगे। डिफाइन नेम कहता है कि हम फॉर्मूला भी एक्सेप्ट कर देंगे। समझ गए? तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा दिया तो ये क्या होगा, अब मैं इस पे शो कर देता हूं। शो अब मैं यहां पे अगर सिटी देता हूं तो रिजल्ट सिटी बाय हो गया। जैसे ही सिटी सिलेक्ट किया डिफाइन नेम का ए शो चला, इस शो में इसने B4 को लिंक लिया, B4 मिला उसको सिटी ABCD में मिला, इनडायरेक्ट ने कन्वर्ट कर दिया इसके रेफरेंसिंग से, ये नेम मैनेजर सिटी से। जी हाँ। तो एक तरह से हमारा हो गया वर्क। तो एक चीज जो समझ में नहीं आई, हेलो बताइए ना, सुन रहा हूँ। उसमें आपने ऊपर सिर्फ शो लिखा था, शो लिखा, ये किस सेल पे रख, अच्छा आपने पिक्चर किस सेल पे रख के शो किया है? जी हाँ जी हाँ, पिक्चर के हमने शुरू से ही कर रहा हूँ। पिक्चर पे क्लिक कर आपने किसी एक अच्छा सेलेक्ट किया या और आपने अगर इसको अगर पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करते हैं तो वो एक से कनेक्टेड होता है ना, यहाँ कनेक्टेड है। हाँ मैं समझ गया। अब इसको आपने नेम दे दिया शो, इसका अगर नाम अगर मैं शो दे दूंगा तो फिर इससे कनेक्टेड हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप नेम मैनेजर में गए थे, इसको शो दिया था और उसका रेफरेंसिंग इस सेल से कर दिया था B4 से। ठीक है, प्रोसेस समझिए। सबसे पहला प्रोसेस क्या है,
कि जो भी दो जरूरी दो ही एरिया हो, तीन चार पांच एरिया भी हो सकता है, हर एरिया को एक नाम दीजिए। सबसे पहले क्या नाम, हर एरिया एक नाम दीजिए, पहली चीज समझ में आ गई। उसके बाद जो नाम आपने दिया है उसी का डेटा वैलिडेशन में जाके वैलिडेशन लिस्ट बनाए, यहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्पेस, ठीक है? ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और नाम डिफाइन करना है, डिफाइन नेम में एक और नाम डिफाइन करना है, नाम चाहे जो भी दीजिए उसमें डेटा रिलेशन के पाथ को। तीसरा चरण समझ में आ गया? हाँ जी। पहली चरण है कि हर एक एरिया का नाम डिफाइन करना, दूसरा है वैलिडेशन लगाना, डेटा में लिस्ट देना, लिस्ट में वही डिफाइन नेम यूज करना जो आपने डिफाइन किया। तीसरा है शो नाम का या किसी भी कुछ नाम चाहे जो भी हो नाम का एक और डिफाइन नेम करना, और उस अंदर इनडायरेक्ट फॉर्मूला में इस डेटा रिलेशन की गई रेंज को लिंक करना। और चौथा स्टेप है आपका कि किसी एक एरिए को, किसी एक एरिए को कॉपी करना और एज ए पिक्चर लिंक करना। तो ये जो आपने लास्ट वाला स्टेप बताया है, सॉरी, जो लास्ट वाला स्टेप बताया है पिक्चर को क्लिक करके उसको जो हमने दोबारा शो नेम दिया है, वो हम अपनी आपने समरी शीट में ही किया है ना, कि वो किसी भी शीट पे कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जिस पिक्चर को शो करना है उस पिक्चर पे। ठीक है, बना गया। चलिए अनदर एग्जांपल हम बताते हैं। एग्जांपल आपने ऑफिस एक क्लाइंट के लिए किया था, राइट? तो एक स्कूल था, स्कूल के लिए मुझे एक डेटाबेस तैयार करना था। तो उनका कहना था कि मैंने डेटाबेस तैयार करके उनको दे दिया, उनमें डेटाबेस किसी और ने बनाया था, माफ कीजिएगा, किसी और का बनाया हुआ डेटाबेस था। उसमें क्या रोल नंबर डालते थे या स्टूडेंट आईडी डालते थे तो स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन निकल आती, उसका पूरा डिटेल्स, उसकी क्लास डिटेल्स, उसका एग्जाम डिटेल्स, रिजल्ट, अटेंडेंस, सब कुछ आ जाता था, उसने पूरा डिफाइन किया। तो जिस स्कूल उसको यूज नहीं कर पा, क्यों? क्योंकि टीचर्स बोल रहे थे कि उससे अगर स्टूडेंट का फोटो दिखेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके जो है हर स्टूडेंट का नाम बदलने में कंफ्यूजन होती है, मतलब उसके कोड में कंफ्यूजन होती है, समझ गए? तो तीसरे शीट पे उनका एक डला हुआ है फोटो। मैं एक काम करता हूँ, फोटो के लिए थोड़ा जगह बनाता हूँ। ठीक है, ये फोटो डला हुआ है, तो रोल नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 के लिए फोटो डला हुआ है। करता हूं कि कुछ फोटो लेके आता हूं गूगल क्रोम से। मैं अपना नाम भी सर्च करता हूं, देखते मेरे नाम में कौन कौन हो गया। अच्छा, एक का नाम, बहुत सारे लोग आ गए मेरे नाम के, तो अकेला मैं ही हूं। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, यहां रख दिया, फिर हमने दूसरा कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसकी भी साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसमें थोड़ा सा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सर, और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बोला था कि आपको एक्सेल की नॉलेज पहले से है, और आप मैंने आपका वीडियो देखा था वो वाला, उसमें और मैंने और भी इसको थोड़ा रिसर्च भी किया था, तो ये देखा था दो तीन और फॉर्मूलों से भी हो जाता है, जो आपने आपने तो उससे किया था मैथ से।
इसलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मुझे पता था कि आपको एक्सेल पहले से नहीं आता है तो ये क्लास आपकी मैं नहीं देता, ये क्लास मैं देता आपको, नहीं ये क्लास देता ही नहीं सर, ये क्लास लास्ट में हम इसको क्लास बीबीए के में ज्यादा कराते थे, जैसा स्टूडेंट होता है उसी हिसाब से पढ़ाना होता है ना सर। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला जब समझाते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्मूला उनको समझ में नहीं आता तभी चीज समझाते हैं। तो ये फोटो है, ऐसे बहुत सारे और भी फोटो नीचे एक के नीचे एक के नीचे वो डालते चले जाए। तो हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूंगा, वन करूंगा यहाँ पर। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम देंगे फॉर्मूला ऑफसेट, ऑफसेट में जाएंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि रो जीरो वन हाइट वन विड्थ जीरो, ये ऑफसेट फॉर्मूला है। तो रिजल्ट जीरो आ रहा है, बाकी सही है जीरो आ रहा है, लेकिन इसमें जो वन है ये वन हमारा मैच फॉर्मूला है, दो नंबर है ना, मैच फॉर्मूला, हमने इसको सेलेक्ट किया और फोटो में गए और इसको किया कॉमा राइट। इस मैच को हमने कॉपी कर इसके अंदर वन जो है जीरो जो है उसके अंदर डाला, क्योंकि ऑफसेट जीरो से काउंटिंग शुरू करता है इसलिए माइनस वन देना जरूरी होता है, हो गया। लेकिन ये चीज यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, ये वर्क करेगी डिफाइन नेम पे। तो हमें यहाँ फॉर्मूला में डिफाइन नेम करना होगा और यहाँ पे मैं पीएस डालता और यहाँ इसको पेस्ट कर देता। और इसको फ्रीज करता हूँ, इसको फ्रीज करना बहुत जरूरी है, फ्रीज ना करें तो कुछ नहीं होगा। वो तो इज इक्वल टू साइन है, कोई एक फोटो मैं कॉपी करूंगा पेस्ट लिंक, और यहां पे पेस्ट ऐसे क्या करेंगे लिंक चल लिंक, और इसको यहां पे हम एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके ऊपर फोटो बी वन दिख रहा है ना, इस फोटो बी वन को हटा के पी एच जो हमने डिफाइन नेम बनाया था वन आ गया, टू थ्री दिख रहा है सर। हाँ जी, आप कंफ्यूज होंगे कि ए वन करता है क्या कर रहा है आपसे। हाँ बिल्कुल, और आपने जो वीडियो दिया था उसमें तो आपने शायद ऑफसेट फॉर्मूला यूज नहीं किया है, इसमें आपने ऑफसेट फॉर्मूला से किया है। क्या ना सर, हम टेप रिकॉर्डर नहीं है कि एक ही रिकॉर्ड को बार बार बजेंगे, थोड़ा सा चेंज। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब बस ये था कि फॉर्मूले अगर समझ में आ जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे किस तरह यूज कर सकते हैं वो ज्यादा बेनिफिट करता है। बताया ताकि मैं दोनों को कंपेयर करके दिखा सकूं, ठीक है ना। उस तरीका ही बता रहा हूँ, लगना तो मैच ही है, जो मैच लगाया वो तो दोनों में। मैच फॉर्मूला बेसिकली हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करके दे देता है, उस सेल की लोकेशन क्या है ना, वन दे दिया। हाँ हमारा जो एड्रेस होता है, मान लीजिए हम पी वन ए करते हैं, बी वन करते हैं, आपका सर इस तरह का होता है। हाँ जी, तो इसी में हमने क्या किया कि बी कर लिया और इसको हमने एन परसेंट वन कर दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज ऐसे वर्क नहीं करेगी, इसको इनडायरेक्ट में डालना। तो मैं इसको फ्रीज करता हूँ, इसको भी फ्रीज करता हूँ। हमने इसको कॉपी किया, ये फॉर्मूला मर्ज करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसमें पेस्ट कर दिया राइट सर। इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा और हम डिफाइन नेम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे डिफाइन नेम में, और यहाँ जो है हम यहाँ करते हैं
करते हैं PH4 के नाम से फोटो कर देते हैं, फोटो के नाम से बनाते हैं, और वो जो फॉर्मूला बनाएंगे उस फॉर्मूले को इनडायरेक्ट के अंदर इनडायरेक्ट और हमें फ्रीज कर, फ्रीज वगैरह पहले कर चुका हूँ तो फ्रीज करने की जरूरत नहीं। अब मैं एक बार और कॉपी किया फोटो को और राइट क्लिक, राइट क्लिक में यहाँ से पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक और यहाँ पे हम अपना फोटो वाला फोटो। अब दोनों वर्क कैसे करता है समझिए। सबसे पहले आपका एक इसको समझाते हैं, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, हमने रेफरेंस बना दिया ना सिंपल और इनडायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे इसमें फॉर्मूला में हमने इनडायरेक्ट लगा दिया और इनडायरेक्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब मैंने ऑफसेट क्यों लगाया, तो जो काम इनडायरेक्ट करता है वो काम भी ऑफसेट भी करता है, लेकिन ऑफसेट टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता है और नंबर के हिसाब से रेफरेंस देता है। तो इस मैथ में सबसे पहले मैच करके बताया कि इसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, है जीरो से काउंटिंग शुरू करता है। इसने गया फोटो, फोटो की A1 से गया जीरो तो एक कॉलम पे गया, जीरो रो और वहां से रेंज की हाइट 1 और विड्थ 1 ले। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि हाइट अगर मान लीजिए हाइट 5 कर देता तो ये पूरा ये ले लेता है, पूरा रेफरेंस ले लेता है। और अगर हम हाइट और विड्थ ना देते तो अगर कॉमा कॉमा कर देते नहीं करते तो फिर उसकी वैल्यू शो होती, फिर डिफरेंस शो नहीं होता। अच्छा यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है सर, यहाँ पे दिया में काम से करता है। अगर मैं इसको सम के अंदर डालता हूँ ना, देखिए सम के अंदर डालता हूँ तब क्या रहा है, देखिए आप ये भी तरह से रेफरेंस ही दे रहा है। समझे? हाँ जी। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसमें जरा दिमाग मत दबाइए, जब आपकी फॉर्मूले की क्लास आएगी तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। फिलहाल काफी कुछ क्लियर हो गया, ये चीजें भी की जा सकती है, ये चीजें भी पिक्चर्स को भी लुकअप की जा सकती है। अगर मान लिया कि क्या हम पिक्चर को लुकअप कर सकते हैं, तो अगर आपको सिर्फ वी लुकअप का फॉर्मूला पता होगा तो आप सिंपल से बोलेंगे कि सर कोई भी फॉर्मूला ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर सकते। बिल्कुल, एज पर स्पेयरशीट रूल कोई भी फॉर्मूला ऑब्जेक्ट को रेफरेंस नहीं कर सकते, ये एसएसएम की रूल है। लेकिन आप इनडायरेक्ट का फॉर्मूला, मैच का, ऑफसेट का फॉर्मूला मेरा ये तरीका जान गए तो आप कह सकते सर ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हम इनडायरेक्ट मैच और पिक्चर लुकअप को यूज करके ऐसा बना सकते हैं। समझ गए सर? तो मेरी क्लासेस में यही इम्पॉसिबल चीजें होती है, हमने यहाँ पे क्या किया स्पेयरशिप के रूल को ही ब्रेक कर दिया। स्पेयरशिप रूल क्या कहता है कि किसी भी कंडीशन में हम रेफरेंस को लुकअप, एक पिक्चर को लुकअप, मैंने पिक्चर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस नहीं करेंगे। हमने क्या किया, थोड़ा सा तिगम किया और हमने क्या किया इसका इस्तेमाल किया। ओके बिल्कुल, तो आज इसमें प्रैक्टिस कीजिए, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। एक छोटा सा एक क्वेश्चन था जी, कल आपने जो मेरे को वो पिक्चर लिंक वाला बताया था उससे वो और सेल रेफरेंसिंग वाला, तो उससे मैंने अपने ऑफिस का कुछ काम आसान किया है। मेरे को एक बार बस ग्राफ की डायनेमिक रेंज समझनी है, वो थोड़ा एक मेरा काम इजी हो जाता अगर उस पर आप थोड़ा 5 मिनट बता। क्या समझनी आपको? जो ग्राफ बनाते हैं उसमें डायनेमिक रेंज कैसे बनाए, ग्राफ बनाते उसमें कौन सा लुक की समझ नहीं, सुन नहीं पा रहा हूँ। ग्राफ जैसे ये आपने ग्राफ बनाया है सेल्स का ग्राफ जैन से अक्टूबर का लिया है, ये रेंज मेरे को डायनेमिक बनानी है। उसके लिए आपको ये जो भी मेथड बताया ना सर, हाँ, इसी मेथड का इस्तेमाल करना है। ऑफसेट, ऑफसेट का तो अर्जेंट है तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा, नहीं आप वेट कर सकते हैं तो हम वेट कर लेंगे जब फॉर्मूला।
अगर आप वीडियो बना के दे दे तो थोड़ा ठीक है, मैं संडे को इसकी वीडियो बना दूंगा मैं। चलो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल। कल लेंगे आप? सॉरी कल नहीं, संडे, संडे हो सकता है, एक लंबी क्लास में। ओके ठीक है।